नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं उत्तरी गोवा के मोजारिम बीच पे हूँ और भोर से ही अर्ली मॉर्निंग से ही मैं काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल कर रहा हूँ और नॉर्थ गोवा के एक एक बीच से होते हुए सबसे पहले मैं आरंबोल गया, उसके बाद मैंड्रीम, उसके बाद से मैं मोजारिम बीच पाया हूँ और इसके बाद मेरा आज का लक्ष्य है कि रात तक मुझे साउथ गोवा के दक्षिणी गोवा के अंतिम बीच तक पहुँच जाना है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैं काफ़ी वाइल्ड स्पीड से, काफ़ी फास्ट स्पीड से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। एनीवे, एक और बात शेयर करनी थी कि दोस्तों, जब भी आपके मन में कभी किसी बात को लेकर के छोटा सा भी अभिमान या गर्व हो जाए, गर्व तो नहीं कहेंगे, बहुत अभिमान हो जाए, या आपको लगे कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है मटीरियली, स्पिरिचुअली, चाहे जैसे भी, तो आपको एक बार समुद्र तट पर आकर के समुद्र के सामने, आकाश के सामने जरूर खड़ा होना चाहिए। जब आप यहाँ खड़े होते हैं और प्रकृति का इतना बड़ा विस्तार देखते हैं तो आपका जो अहंकार है, जिसको हम बुद्धिज्म में अनात्म बोध कहते हैं, यू आर नथिंग, नथिंग इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ यूनिवर्स, तो आपको जरूर एक बार समुद्र तट पर आकर के ऐसा महसूस होगा। दूसरी बात, मैं एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की शेयर करना चाहता हूँ। एक बार उनसे कहा गया कि आपके पास तो इतना, जब उन्हें थियरी ऑफ स्पेशल थियरी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत लाया, सापेक्षता का, तो उनसे पूछा गया कि आपको कभी गर्व नहीं हुआ कि इतनी बेहतरीन थियरी, इतने बड़े रहस्य का आप खोज कर ली, इतनी बेहतरीन थियोरीज आपने दी? तो उन्होंने कहा कि जो मेरा नॉलेज है, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड में जितना नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वो ओसिन की तरह है और जो बीच है, बीच की तरह है, सैंड पार्टिकल्स की तरह है, और मेरा नॉलेज उस सैंड पार्टिकल के एक पार्टिकल, टाइनी स्पेक,